दोस्तों आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि कौन सी वेटिंग लिस्ट पहले कंफर्म होती है। जैसे कि वेटिंग लिस्ट में तो बहुत सारे वेटिंग लिस्ट है, लेकिन एक वेटिंग लिस्ट है जिसको हम कहते हैं तत्काल, और एक होता है बिना तत्काल वाला। तो दोनों में पहले कंफर्म कौन होता है, ये सवाल कई लोगों ने मुझसे पूछा जब आज मैं अपना कमेंट सेक्शन चेक कर रहा था, तब मैंने देखा। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कौन सी वेटिंग लिस्ट पहले कंफर्म होती है, ताकि आप अपना टिकट वेटिंग होने पर भी बुक कर सकें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीत, आप देख रहे हैं ज्ञान कवच। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि वेटिंग लिस्ट जो है वो कई सारी वेटिंग लिस्ट है, RLWL, PQWL, GNWL, बहुत सारे वेटिंग लिस्ट है। लेकिन इन तमाम वेटिंग लिस्टों में एक और अलग वेटिंग लिस्ट है जिसको कहते हैं TQWL, यानी कि तत्काल कोटा का वेट लिस्ट। दोस्तों, कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि तत्काल में जब सीटें खत्म हो जाती है तो हम तत्काल का वेट लिस्ट टिकट बुक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ रेलवे ने तत्काल कोटा के तहत हमसे ज़्यादा रुपये लिया हुआ है, तो यहाँ पर मेरा टिकट जो है पहले कन्फर्म हो जाएगा। यानी कि नॉर्मल साधारण जो वेटिंग लिस्ट है, मैं उसको न लेकर तत्काल वाली वेटिंग लिस्ट ले लेता हूँ, जिससे ये कन्फर्म होने का चांसेस ज़्यादा होता है, ऐसा लोगों को लगता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके सामने ऑप्शन है, मतलब आप तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे हो, तत्काल में वेटिंग लग चुका है और जनरल में भी वेटिंग लिस्ट है, तो आप जनरल का बुक करें, क्योंकि सबसे पहले रेलवे जो है जनरल वाली जो वेटिंग लिस्ट है उनको ध्यान देती है। जनरल वेट लिस्ट मतलब GNWL वाला वेट लिस्ट नहीं, बिना तत्काल वाला वेट लिस्ट। यानी कि आपके सामने ऑप्शन है तत्काल का वेटिंग और एक साधारण वाला वेटिंग, तो आप साधारण वाले वेटिंग में जाओ, जो भी चांसेस है उसका ज़्यादा है तत्काल के मुकाबले, क्योंकि रेलवे को ये लगता है कि तत्काल कोटा के तहत जिसने भी वेटिंग लिस्ट लिया है, जो भी लिया है, वो बहुत कम समय में टिकट अपना बुक किया है, दो दिन पहले या एक दिन पहले टिकट लिया है जो तत्काल कोटा में बुक हुआ है। तो इसको कन्फर्म न करके जो लोग काफ़ी दिन पहले से, यानी कि जो जनरल या साधारण कोटा के तहत बुक हुआ है, उस वेटिंग लिस्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है रेलवे की तरफ से। वैसे वेटिंग लिस्ट के अंदर भी बहुत सारे वेटिंग लिस्ट है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया हुआ था कि कौन सा वेटिंग लिस्ट पहले कंफर्म होता है या कंफर्म होने के चांसेस जो है ज़्यादा होता है। वैसे अगर आप अभी जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं किसी और वीडियो में 2024 में एक और फ्रेश वीडियो इसके लिए बना दूंगा। वैसे आपके पास ये ऑप्शन नहीं रहता है कि आप किस कोटा के तहत वेटिंग लिस्ट बुक करोगे, GNWL, PQWL, या आपके पास ऑप्शन नहीं रहता है, ये स्टेशन और गाड़ी के बीच के दूरी को देख के ये तय किया जाता है। हालांकि आप पिछले किसी स्टेशन से बुक करके वो जो वेटिंग लिस्ट को बदल सकते हो। आप मुझे कमेंट करना ना, मैं किसी और वीडियो में अच्छे से बता दूंगा अगर आप जानना चाहते हो तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो चल रहा है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।